गोरखपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 416 हो गई है। इसमें से 268 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं 135 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, गोरखपुर में शनिवार को शहर में 8 समेत 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें शहर की आवास विकास कॉलोनी के एक ही परिवार के 2 लोग शामिल हैं। इसके अलावा कूड़ाघाट में 3, बसंतपुर में 1, ट्रांसपोर्ट नगर में 1, हुमायूंपुर में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ब्रह्मपुर के आमडी के टोला भैरव पिपार में एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उर्वा क्षेत्र के 3 संक्रमित मिले हैं, इनमें पहाड़पुर हरेडाण और बेलासर गाँव के लोग हैं, जबकि बेलीपार के ग्राम सभा सोकहना गांव में 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही पाली के जोगिया पाली में 1, पिपरौली में जुधापार में 2 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कुशीनगर और महाराजगंज में 1-1 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से जिले में पॉजिटिव मरीज की संख्या 416 हो गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। वहीं इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बाद उन सभी जगहों को सील कर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। वहीं 500 मीटर के एरिया को सील कर उनके अंतर्गत आने वाले लोगों को अन्य जरूरत के सामानों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से होम डिलीवरी के माध्यम से मुहैया कराए जाने का भी कार्य किया जाएगा।